अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो चंद स्टेप्स है आपके मोबाइल के ही अंदर, वो आपने करने हैं और इंशाल्लाह आपका मोबाइल स्पीड अप हो जाएगा। आई एम श्योर कि इस तरीके के अप्लाई करने के बाद आपका मोबाइल कुछ ना कुछ हद तक जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। अगर आप 2-3 दफ़ा करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर जो है आपको ये डायल पैड नज़र आ रहा है, फ़ोन जो लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, आपने वो कोड जो है वो लगवाना है, ठीक है। ये स्टार है, स्टार हैश 9900 और हैश, ठीक है। तो इस तरह से एक पेज आएगा आपके सामने। अब आपने इसको थोड़ा सा जो है ऊपर स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर लिखा है डीबग लेवल इनेबल, ठीक है। ये वाला जो है ये आपने इस पर क्लिक कर देना है और फिर ये इस तरह से आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। तो ये जो हाई, लो और मिड लिखा है ना, तो आपने इस पर जो है यहाँ पर आपने मिड पर क्लिक कर देना है, हाई या लो पर क्लिक नहीं करना। तो आपका मोबाइल जो है वो बंद हो जाएगा और फिर दोबारा जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये रिस्टार्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल रिस्टार्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर आना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं सेटिंग्स में आ जाता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे नीचे आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे आए, यहाँ पर ये जो लिखा है ना डेवलपर ऑप्शंस, ये शायद आपको नज़र ना आए आपके मोबाइल फ़ोन में। तो ये आपने यहाँ पर कैसे लाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है अबाउट डिवाइस, यहाँ पर आना है। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर इन्फो, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये जो बिल्ड नंबर लिखा हुआ है ना, आपने इस पर 7 मरतबा जो है क्लिक करना है और ये आपको शो भी करेगा कि इतने मरतबा हुए, इतने बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, 7 मरतबा मैंने इस पर क्लिक किया था, तो इसलिए अब मुझे ये कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी डेवलपर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपने इस बिल्ड नंबर पर 7 मरतबा क्लिक कर देना है, फिर इसके बाद आपने जो है वापस आना है और फिर आपने डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जिससे आप जो है अपने मोबाइल को फास्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना ट्रांजिशन एनिमेशन स्किल, आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये आपका जो है एनिमेशन स्किल 1x पर होगा, मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो 3 ऑप्शंस है, इन तीनों को आपने 0.5x पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर जो है वो रखना है, ठीक है। इसके बाद आपने बैक आना है और यहाँ पर अपने मोबाइल को जो है आपने रीस्टार्ट करवा देना है। यहाँ पर ये जो रीस्टार्ट लिखा है आपने इस पर क्लिक कर देना है और ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं कि ये रीस्टार्ट हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुका होगा या नहीं, तो फिर देखते हैं। जी तो मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप आए, फेसबुक पर आए या टिकटॉक पर जाए, जहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी हो, तो आपका मोबाइल कुछ ना कुछ इसमें जो है वो स्पीड के इसके इजाफा हो चुका होगा। तो अब यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर जो है मोबाइल के स्पीड में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा, और अगर आपको लगे कि नहीं हुआ है तो फिर से दोबारा वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये दोबारा करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें। लेकिन इसमें जो है आपने थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। मतलब 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपने इस तरह से ये प्रोसेस दोहराना है, तो इंशाल्लाह आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।